श्री साई चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर मोहल्ला होलीवाला निकट कमाल अख्तर कार्यालय हसनपुर अमरोहा। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल MBBS MD बाल रोग विशेषज्ञ, पूर्व CMO SR MSI MS बरेली, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डिस्पेंसरी सुविधा, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण, नवजात बच्चों के लिए AC नर्सरी की सुविधा, साफ स्वच्छ कमरे एवं बेडरूम। डॉक्टर ऋषभ अग्रवाल MBBS MD बाल रोग विशेषज्ञ, संपर्क सूत्र 9528479529। जीवन ज्योति हॉस्पिटल, डॉक्टर चंद्रवान सिंह चौहान MBBS FCCN MD, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध, ICU और NICU की सुविधा। चौबीस घंटे सर्जरी की सुविधा उपलब्ध। पता: निकट अमरोहा अड्डा, अतरासी रोड, हसनपुर, जनपद अमरोहा। हेल्पलाइन नंबर 9927673514। नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अमरोहा के जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी ने सांथलपुर गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला के निकट में खाली पड़ी चारागाह की भूमि में पशुओं के लिए चारे की बुआई न होने और गोबर से बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाले प्लांट के शुरू न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और 15 दिन के भीतर कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी बाल कृष्ण त्रिपाठी रविवार की शाम को सांथलपुर गौशाला का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। जिलाधिकारी ने गौशाला के निकट चारागाह की भूमि को खाली देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि चारागाह की भूमि की सिंचाई के ट्यूबवेल की स्थापना होने के बाद भी गौशाला को बाहर से हरा चारा मंगाना पड़ रहा है, जबकि बराबर के खेतों में अच्छी फसल पैदा हो रही है। मेले के नाम पर चारागाह भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने और भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश SDM हसनपुर को दिए गए और गाय के गोबर से बर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के प्लांट के पूरा निर्माण न होने पर भी BDO गंगेश्वरी से नाराजगी जताते हुए 15 दिन के भीतर प्लांट को शुरू कराने और खाद को चारागाह की भूमि में डलवाने के निर्देश दिए गए, ताकि भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जा सके। यहाँ का देखने के लिए कि किस प्रकार से गोवंश रह रहे हैं, क्योंकि मौसम ठंडक का आ गया है और उनके लिए काऊ कोट की व्यवस्था है कि नहीं है, भूसा पर्याप्त है कि नहीं है, खली चोकर है कि नहीं, इसको लेकर के मैं अपने अधिकारियों के साथ, CDO साहब हैं, SDM साहब हैं, CBO साहब हैं, हमने इसको देखा और व्यवस्था ठीक पाई गई है। बस ये था कि जो ये गोबर निकल रहा है, उस गोबर से हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट बनाने की बात है, उसमें काफ़ी काम किया भी है BDO साहब ने, लेकिन अभी वो उसमें मूर्त रूप नहीं ले पाया है, तो आने वाले 15 दिनों में इसको करके दिखाएंगे, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से जो गोबर निकलता है वो खाद के रूप में खेतों में जाए। और यहाँ बगल में ही लगा हुआ आपका चारागाह की भूमि भी है, तो उसमें चारागाह में घास उगाने के लिए, नेपियर घास उगाने के लिए बोरिंग भी अभी करा दिया गया है। आपने देखा होगा कि उसकी सिंचाई करके, पलेवा करके वहाँ घास लगाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से लगातार लोग लगे हुए हैं। अभी वर्तमान में इस समय 147 गोवंश यहाँ पे संरक्षित हैं, सभी का स्वास्थ्य ठीक है। एक गोवंश है, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, वो कुछ तबीयत अस्वस्थ थी, तो उनकी इलाज चल रहा है, वो स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू सर। ये गोवंश आवारा घूम रहे हैं, किसान परेशान है, इसके बारे में कुछ? हाँ, जो गोवंश बाहर हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, उनको हम लोग जो है पकड़ने के लिए अभियान चलाने का ये शासन ने भी निर्देश दिया है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी तरह से एक गुरेठा में भी एक बनाया जा रहा है, नंदी विहार करके बनाया जा रहा है। आपने सुना होगा हसनपुर में एक नगर पालिका में 480 की क्षमता का एक गौशाला बना हुआ है, जिसको भी आयुक्त महोदय ने भ्रमण भी किया है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक चंदन कोटा यहाँ पे गांव है, वहाँ भी लगभग 400 बीघे ज़मीन है और उसका भी प्रपोजल गया हुआ है, और उसमें शासन की तरफ से धनराशि आवंटन होने की उम्मीद है, तो फिर वहाँ भी एक बहुत बड़ी गौशाला बनेगी, जिससे भी यहाँ के लोगों की समस्याओं, जो कि जो गोवंश की समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। थैंक यू।
अमरोहा के हसनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला महामंत्री व मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निकाय चुनाव जीत की रणनीति तैयार की गई, साथ ही बूथ अध्यक्षों को जीत के गुर सिखाए गए। दरअसल रविवार को नगर के अमरोहा बस अड्डे के नजदीक क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के कैंप कार्यालय पर भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष मयंक अग्रवाल ने निकाय चुनाव की जीत पर अपनी राय प्रकट की और कहा कि हमारा निशान केवल कमल का फूल है और सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिलेगा, उसके बाद सभी मनमुटाव भुलाकर कमल के फूल को जिताना है। इसी क्रम में जिला महामंत्री चंद्रमान सिंह भाटी ने भी निकाय चुनाव की रणनीति तैयार करते हुए जानकारी दी। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली प्रभारी द्वारा व्यापारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनका निदान करने का आश्वासन दिया गया। पता चले कि तेजतर्रार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडीर ने कोतवाली प्रांगण में व्यापारियों के साथ एक शिष्टाचार बैठक का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखी। व्यापारी नेता मुकेश गुप्ता ने नगर के पुरानी तहसील के सामने पुलिस चौकी को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। व्यापारी सुशील रस्तोगी ने नगर के विभिन्न चौराहों पर छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पिकेट तैनात करने की बात रखी। बताते चले कि व्यापारी व भाजपा नेता संदीप गुप्ता ने नगर के देवेंद्र चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी रखा। सभी समस्या को गंभीरता से सुनने के बाद प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडीर ने व्यापारी को जल्द से जल्द सभी समस्याओं पर विचार करते हुए उनके निदान का आश्वासन दिया। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।